आज जो आपको हम टिप्स शेयर करेंगे आज तक किसी ने आपको बताया नहीं होगा। देखिए BS6 का दो इंजेक्टर है, एक टूटा हुआ है, एक एकदम बेटर न्यू इंजेक्टर है। अब इसको सिर्फ हम यहाँ पे मल्टीमीटर के मदद से पता करेंगे कुछ ही मिनट में कि ये इंजेक्टर खराब है या सही। सबसे पहले कंपनी क्या कहती है कि इंजेक्टर को चेक करने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो है तापमान यानी टेम्परेचर होना चाहिए, जब इसे आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को कहाँ पे रखना है चलिए बताते हैं। मैकेनिक भाइयों, आज मेरे पास गैराज में आई हुई है स्प्लेंडर BS6। सारी चीजों को मैंने ओपन कर लिया है। मेन अपने जो प्रॉब्लम है, जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है एक्चुअल, उस चीज को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आज आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। ये देख पा रहे हैं, यह BS6 का इंजेक्टर है और ये फॉल्टी हो चुका है। खराब होने के कंडीशन में क्या होता है कि गाड़ी लोड नहीं ले पा रही है और जैसे फुल थ्रोटल खींचा जाता है तो काफी ज्यादा इसके अंदर मिसिंग है। अब इस चीज का सलूशन निकालने के लिए मैंने जो सर्विस सेंटर से नया इसका इंजेक्टर मैंने परचेज करके ले आया हुआ है। कितना प्राइस है, कितना इसका पार्ट नंबर है, वो सारी चीजें डिटेल में आपको शेयर करेंगे। बट उससे पहले आपको ये बताते चले कि आप सिर्फ अपने गैराज में, क्योंकि BS6 का जनरेशन है, कभी ना कभी आपके पास गैराज में BS6 की गाड़ी जो है फॉल्टी इंजेक्टर लेके पहुंच सकी है, तो उस कंडीशन में आप जो सिर्फ मल्टीमीटर के मदद से, जी हाँ, इस मल्टीमीटर के इस दो नोब के मदद से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये इंजेक्टर सही है या खराब। इस चीज को हम डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए एक या दो इंजेक्टर नहीं, तीन तीन इंजेक्टर को टेस्टिंग करने वाले हैं। ये जो इंजेक्टर है ये फॉल्टी हो चुका है, ये जो इंजेक्टर है ये नया इंजेक्टर है, ये जो इंजेक्टर है ये टूटा हुआ इंजेक्टर है। अब क्या समस्या होता है टूटने के बाद, क्या समस्या होता है खराब होने के बाद और नया लगाने के बाद, इन सारे समस्याओं का सलूशन समाधान मिलता है कि नहीं, वो सारे चीजों के बारे में बताएंगे और PDF के साथ प्रूफ के तौर पे बताएंगे कि सिर्फ मल्टीमीटर के मदद से आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा ये इंजेक्टर सही या खराब। तो वर्किंग और टेस्टिंग को बताने से पहले चलिए फ्यूल टैंक लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि गाड़ी में हमारा जो है छिड़काव एकदम ना के बराबर, एकदम हल्का हल्का सा छिड़काव है जो गाड़ी चलने की स्थिति में नहीं है। अब जो है इसके अंदर फ्यूल टैंक को असेंबल कर दिए हैं और इसके टेस्टिंग से पहले आपको इसके अंदर छिड़काव दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी क्या है कि एकदम ना के मात्रे में इसके अंदर छिड़काव आता है और कभी कभी क्या है कि वो भी देखने को नहीं मिलता है। अब चलिए इसके अंदर हम सेल्फ का उपयोग करते हैं, ऑब्वियसली इसके अंदर बैटरी एकदम प्रॉपर है, वो भी आपको दिखा देते हैं ताकि ये भी कन्फ्यूजन ना हो कि बैटरी डिस्चार्ज होने से छिड़काव नहीं कर रही है। अब इग्निशन ऑन कर दिए, अब आपको छिड़काव चेक करवाने के लिए इसके सेल्फ का उपयोग करेंगे। तो देख पाना सेल्फ जो हमारा राउंड कर रहा है बट इसके अंदर से छिड़काव एकदम ना के मात्रे में है। अब ये तो पता चल गया होगा कि ये इंजेक्टर फॉल्टी है, कभी छिड़काव करता है कभी छिड़काव नहीं करता, जिसके वजह से हमारी गाड़ी जो है स्टार्टिंग का और पिकअप का और मिसिंग का प्रॉब्लम करती है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आता है कि इसे हम टेस्टिंग करें कैसे। चलिए इसे हम बाहर ले लेते हैं और ताकि आपको क्लियरली तरीके से समझा दिया जा सके। ये देखिए, यानी पता ये चला कि फ्यूल पंप हमारा सप्लाई प्रॉपर कर रहा है, इंजेक्टर हमारा फॉल्टी हो चुका है जो इंजेक्टर बाहर हमारे फ्यूल को निकाल नहीं रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इसको टेस्टिंग करना कैसे है। तो उसके लिए आपको बता दें मैकेनिक भाइयों कि अगर आपको ये चीज पता नहीं है कि इंजेक्टर को टेस्टिंग कैसे करना है, इसके प्रॉपर जो है यूजर मैनुअल आपने नहीं देखा या फिर कंप्लीट इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप कभी भी सटीक रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। क्योंकि इसे जब भी टेस्टिंग किया जाता है उस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि जब भी इसका प्रॉपर रीडिंग आपको चाहिए उस समय इसका जो इंजन का इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए। उसके बारे में भी आपको डिटेल में समझाएंगे क्योंकि आपको काफी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है ताकि आसानी से समझ में आ सके। उससे पहले आपको ये बताते चलें कि इंजेक्टर को वर्किंग के लिए होना क्या क्या चीज चाहिए। तो देखिए, ये इंजेक्टर का कपलर है, सॉकेट आप देख पा रहे हैं, कपलर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देखें कि इसके अंदर दो वायर लगे हुए हैं, एक है ब्लैक प्लस रेड कलर का और एक है पिंक प्लस ग्रीन कलर का। तो ये जो ब्लैक प्लस रेड कलर का वायर है इसके अंदर क्या है कि प्रॉपर वर्किंग के लिए कितना वोल्ट होना चाहिए इंजेक्टर सही हो, जब 12 वोल्ट के इनपुट वोल्टेज इग्निशन ऑन करने के बाद इसके अंदर आना चाहिए, पहली बात।
दूसरी बात क्या है कि ये वायर क्यों है, ये वायर सिग्नल के लिए है। ACM यहाँ पे कंप्लीट प्रॉपर डेटा भेजता है कि अब इसके अंदर छिड़काव बढ़ा दो, अब इसके अंदर छिड़काव घटा दो। वो किससे, वो जिसके अंदर CKP यानी मैग्नेट शायद क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर जो लगा हुआ है उसकी गति को रोटेशन को मापता है और उस कंडीशन में यहाँ पे सिग्नल भेजता है कि अब इसके अंदर छिड़काव को बढ़ा दिया जाए, अब इसके अंदर छिड़काव को कम कर दिया जाए। तो पता ये चला कि ये जो पिंक प्लस ग्रीन कलर का वायर है ये सिग्नल का वायर है और रेड प्लस ब्लैक कलर का वायर जो है उसके अंदर 12 वोल्ट की इनपुट सप्लाई आना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टेस्टिंग के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इंजेक्टर को वर्किंग के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए, वो आ रहा है कि नहीं। 20 वोल्ट पे इसे हम होल्ड करेंगे, मल्टीमीटर को एक जगह पे अटैच कर देंगे। उसके बाद जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको इस ब्लैक प्लस रेड वाले टर्मिनल पे ऐड करेंगे और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे कहीं से भी हम बॉडी अर्थ देंगे। तो देखें ये प्रॉपर नोब इसके अंदर जा नहीं रहा, चलिए मल्टीमीटर को हम रिप्लेस करते हैं। तो मल्टीमीटर के इस नोब को हम यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। आपको व्यू क्वालिटी बढ़िया मिले इसलिए मैं जो है हर बार मल्टीमीटर को चेंज करता रहता हूँ ताकि परफेक्ट आपको रीडिंग मिल सके। तो यहाँ पे देखें मैंने एक ऐसा इसके अंदर वायर ज्वाइन किया जो प्रॉपर इसके इंजेक्टर में जाके अटैच हो सके। तो ये वो वायर है, इसे क्या करेंगे ब्लैक प्लस रेड वाले वायर पे देखिए स्ट्रिप कैसा यूज कर रहे हैं। इंजेक्टर का प्रॉब्लम आपके पास गैराज में लेकर आएगी ही गाड़ी। देखिए एक वायर वहां पे ले लिए, अब दूसरा जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे कहीं से भी हम बॉडी अर्थ प्रोवाइड कर देंगे। ये देखिए ये होता है प्रूफ क्या है कि इसके इंजेक्टर को वर्किंग के लिए जो 12 वोल्ट की सप्लाई मिलना चाहिए वो एकदम सटीक मिल रहा है। 11 प्लस वोल्टेज इसके अंदर आ रहा है तो पता ये चला कि इंजेक्टर को जो वर्किंग वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है वो आ रहा है। अब दूसरा यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, सिग्नल के वायर को चेक करना पड़ेगा कि हमारी गाड़ी को ECM से सिग्नल मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत समय क्या होगा ये वायर हमारा 20 से कटा हो सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक जो वायर है वो यहाँ पे हम इसके अंदर यूज करेंगे, इसके सिग्नल वाले वायर पे यहाँ पे यूज कर दिए और दूसरा वायर इसके ECM के पास ले जाएंगे और देखेंगे बीप बजता है कि नहीं। तो यहाँ पे सेट करेंगे कनेक्टिविटी पे ताकि अगर बीप बजे तो पता ये चले कि सिग्नल का जो वायर ECM से आ रहा है वो सही सिग्नल भेज रहा है। तो मल्टीमीटर से भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कनेक्टिविटी टेस्टर का यूज कर सकते हैं, इसका इस तरह से लाइट जलता है तो हमारा तार वहां से यहां सही होगा। चलिए ECM को ओपन करते हैं। तो ये इसका ECU का वायरिंग है और यहाँ पे देखें तो चौथे नंबर पे आपको जो वायर दिखेगा पिंक प्लस ग्रीन कलर का, ये इसका इंजेक्टर का सिग्नल के लिए काम करता है। यहाँ पे इसके ECU को ओपन किया है ताकि डिटेल में बता दिया जा सके। अब चलिए दो वायर को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं बीप बजता है कि नहीं इस वाले वायर से। अगर बीच में से कहीं से कट होगा तो बीप नहीं बजेगा और कट नहीं होगा तो बीप बजना शुरू हो जाएगा। तो मल्टीमीटर के इसके बीप वाले जगह पे सेट कर दिए हैं। अब इसका एक वायर यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे इसका एक वायर यहाँ पे लगा देंगे और दूसरा वायर इसके इंजेक्टर के सिग्नल के लिए लगाएंगे और अभी आपको लाइव दिखाएंगे कि इसके अंदर बीप बजता है यानी। तो चलिए इसके दूसरे वायर को हम इसके इंजेक्टर के सिग्नल से लगा लेते हैं। तो देखिए जैसे दोनों वायर की कनेक्टिविटी ली है इसके अंदर से बीप का प्रॉपर साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। तो आप सभी मैकेनिक भाइयों ने भी क्या देखा कि इसका सिग्नल के लिए जो वायर जा रहा है वो भी परफेक्ट है और जो इनपुट वोल्टेज आना चाहिए वो भी परफेक्ट है। अब पता ये चला कि इसका इंजेक्टर ये फॉल्टी पड़ा हुआ है। अब इसके लिए हम तीन इंजेक्टर को टेस्टिंग करेंगे इसके मल्टीमीटर से। जी हाँ सिर्फ मल्टीमीटर से और PDF आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। अब कंपनी कहती क्या है इसके इंजेक्टर को चेक करने के लिए कहाँ पे सेटिंग करना चाहिए क्या दिखेगा वो बताते हैं। तो मैं जो आपके साथ आज इंजेक्टर टेस्टिंग का तरीका बता रहा हूँ वो आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। देखिए कंपनी क्या कहती है कि जब भी आप इंजेक्टर को टेस्ट करें तो सबसे पहले ये चीज फाइंड आउट करें कि आपके इंजन का टेम्परेचर यानी कितने तापमान पर इसका जो है कम्प्लीट हीटिंग प्रोसेसर है और साथ ही साथ ये भी देखना है कि आपकी गाड़ी का जो है इंजन कितना गर्म है उस हिसाब से इंजेक्टर कितना गर्म हुआ है। 20 डिग्री सेल्सियस पे इसकी जो रीडिंग होना चाहिए वो इसका 11 टू 13 ओहम होना चाहिए यानी 11 से 13 दिखना चाहिए। अब सबसे बड़ा हमारे मैकेनिक भाइयों के माइंड में सवाल ये उठेगा कि मल्टीमीटर को हम सेट कहाँ पे करें इसके जो है इंजेक्टर को चेक करने के लिए। तो देखिए मल्टीमीटर ये है और यहाँ पे देखें तो इस जगह पे ओहम का एक साइन बना हुआ है इस जगह पे। तो न आपको 2000 के पे न 200 के पे न 20 के पे न 2000 पे, यहाँ पे आपको 200 ओहम पे
मल्टीमीटर को सेट करना है। इस तरह से इसके मल्टीमीटर को यहाँ पे 200 ओम पे लेंगे और इसका पिन 1 और पिन 2 दोनों को जो है इसके इंजेक्टर के दोनों नीडल में हम टच करेंगे और रीडिंग क्या दिखेगा, 11-13 11 या 13 रीडिंग दिखना चाहिए जब पता चलता है कि हमारा इंजेक्टर सही है। बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या आपको याद रखना है कि इंजेक्टर जब चेक करें उस कंडीशन में 20 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ इसका हीट होना चाहिए, उससे अगर ज्यादा टेम्परेचर पे हीट रहेगा तो रीडिंग ऊपर नीचे हो सकता है, वो चीज आप खुद ध्यान रख लें। तो देखिए 200 ओम पे उसे मैंने होल्ड कर दिया है और ये देखें ये इसका फॉल्टी इंजेक्टर है, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि इसका जो एक पिन है वो एकदम पूरी तरह से टूटा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसके पिन 1 और पिन 2 पे हम टच करते हैं और आपको रीडिंग दिखाते हैं, एकदम ब्लैंक दिखना चाहिए। तो देखिए पिन और पिन 1 और पिन 2 पे जब इसके अंदर मैंने कनेक्टिविटी ली तो रीडिंग आपको क्या दिखा, एकदम पूरी तरह से ब्लैंक। क्यों ब्लैंक दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से जो सिग्नल इसको मिलना चाहिए इंजेक्टर का वो मिल नहीं पा रहा, क्योंकि ये जो है टूट चुका है इस जगह से। तो पता ये चला कि अगर इंजेक्टर टूट जाता है तो ना आपकी गाड़ी का फ्यूल पंप चलेगा, ना गाड़ी में करंट आएगी और ना ही गाड़ी फ्यूल की सप्लाई करेगी, क्योंकि यहाँ से सिग्नल भेज नहीं पा रहा। अब यहाँ पे एक और दूसरा इंजेक्टर है जो ये फॉल्टी इंजेक्टर है, अब इसे हम टेस्ट करने के लिए इसका भी हम पिन 1 और पिन 2 पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए आपके साथ लाइव प्रूफ शेयर कर रहे हैं, जैसे इसके पिन 1 और पिन 2 पे इसके जब कनेक्टिविटी मैंने ली है तो वहां पे रीडिंग देखिए सिर्फ 1.1 या फिर 1.2 का रीडिंग आपको दिखा, तो इससे पता ये चला कि इसके अंदर जो प्रॉपर रीडिंग इसको मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा, क्योंकि ये फॉल्टी पड़ा हुआ है। अब आपको जो नया इंजेक्टर कंपनी द्वारा खरीद के लाया गया है उसकी रीडिंग दिखाते हैं। तो देखिए ये इसका पिन 1 है और यहाँ पे जस्ट इसका पिन 2 है, थोड़ा सा टफ हो जाता है सिंगल हैंडेड चेक करना, बट याद रखें जो मैं स्टेप बता रहा हूँ एकदम सटीक है। जब भी आपके पास इंजेक्टर का खराबी आता है तो आप नया इंजेक्टर खरीदने से पहले ये जो मेरा तरीका है इसे उपयोग करके आप जरूर से जरूर चेक करें। चलिए इसे परफेक्ट लगा लेते हैं। तो अब जो है इसके पिन 1 और पिन 2 पे कनेक्ट कर चुके हैं और अब रीडिंग अगर देखें इसके मल्टीमीटर में तो जो कंपनी खुद बताती है कि इसके अंदर 11-13 ओम का होना चाहिए सटीक रीडिंग आपको मल्टीमीटर के ऊपर दिख रहा है। बट याद रखें जो तरीका बताया गया 20 डिग्री सेल्सियस पे चेक करना है, यानी जब इंजन एकदम ठंडा कंडीशन में हो, यानी इंजेक्टर काफी समय से 2-3 घंटे से गाड़ी स्टार्ट ना किया हो, उस कंडीशन में चेक करें। अगर 13 रीडिंग दिखता है, 14 रीडिंग दिखता है या फिर 12 या 11 रीडिंग दिखता है तो समझ लीजिए आपका मल्टीमीटर में रीडिंग जो इसका इंजेक्टर का बता रहा है वो एकदम सही बता रहा है, इंजेक्टर आपका एकदम बिल्कुल सही है। बट एक चीज याद रखें कि जब भी आपकी इंजेक्टर की खराबी आएगी तो ओबीडी लगाने के बाद जो कोड आएगा P0201, याद रखें P0201 अगर आपका कोड आता है तो इंजेक्टर फॉल्टी हो सकता है। अभी ये दिखा रहा है कि आपको नया इंजेक्टर इसके अंदर जैसे लगाएं रीडिंग मल्टीमीटर में एकदम कंप्लीट पीडीएफ से मैच किया। अब चलिए इस इंजेक्टर को हम यहाँ पे असेंबल करते हैं और देखते हैं इसके अंदर से छिड़काव प्रॉपर आता है कि नहीं, थ्रोटल खींचते और देखते हैं हमारी गाड़ी कहीं मिसिंग तो नहीं करेगी। तो एक ही टेस्टिंग को बार बार दिखाते हैं ताकि आपको डिटेल में समझाया जा सके। मैकेनिक भाइयों आपकी परेशानी हमसे देखी नहीं जाती, अब देखिए अभी यहाँ पे इस टूटे वाले निडल से भी देखिए यहाँ से सिग्नल लेंगे तो प्रॉपर रीडिंग बताएगा। ये क्या होता है कि जब लाइव दिखाते हैं ना, जैसे ये टूटा हुआ निडल जो है इससे हम एक यहाँ पे क्लिप शेयर किए और दूसरा इसके अंदर से यहाँ पे क्लिप शेयर किए और देखिए रीडिंग आपको क्या दिखा, जो पीडीएफ में रीडिंग बताएगा सेम टू सेम वही रीडिंग आपको दिखेगा इसके अंदर अभी मल्टीमीटर में। अभी देखिए ये देखिए लाइव प्रूफ दिख रहा है, 13 का दिख रहा है, पीडीएफ में क्या बताया वही 13 का बता रहा है। तो पता इससे ये चला कि जब भी आप इंजेक्टर का टेस्टिंग करें तो 11-15 ओम का अगर जाता है, 11-15 का तो एकदम आपका परफेक्ट है। ये देखिए टेस्टिंग आपको एकदम परफेक्ट पता चल गया, देखिए टूटा हुआ इंजेक्टर का भी मैंने रीडिंग निकाल लिया। तो ये जरूरी नहीं कि जब टूटता है तो सिग्नल नहीं मिलेगा, सिग्नल आपको मिल जाएगा। वीडियो लंबी हो रही है बट इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट पहुंचा रहे हैं ताकि कभी प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब गाड़ी को थ्रोटल देके स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी को फिटिंग करते हुए काफी समय हो गया और अभी देखिए फिटिंग मैंने फुल किया नहीं क्योंकि प्रॉब्लम इतना ज्यादा क्रिटिकल था, मुझे खुद के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। चलिए अब इसे हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं इसके इंजेक्टर को असेंबल करने के बाद।
तो गाड़ी तो स्टार्ट है, स्टार्ट पहले भी हो रही थी। मेन था मिसिंग, जो अब गाड़ी मिसिंग नहीं कर रही है। चेक लाइट है, पहले से भी था एरर, देखते हैं जाता है या फिर ECM रिफ्रेश करना पड़ेगा। चला जाना चाहिए, देखिए चला गया, यानी कोडिंग वगैरह का कोई आवश्यकता है ही नहीं, कोडिंग वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा। दूसरा इंजेक्टर डालने के बाद भी बिना कोई की पेयरिंग के गाड़ी स्टार्ट है, और चेक लाइट भी नहीं, कोई चेक लाइट नहीं, लाइव प्रूफ दिखा देंगे, चेक लाइट भी नहीं, इंजेक्टर लगाने के बाद गाड़ी में मिसिंग नहीं है। टेस्टिंग का प्रोसेस, वर्किंग का प्रोसेस A to Z डिटेल बता दिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, इसी तरह से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है उसके लिए माफ कीजिए, क्योंकि टेस्टिंग प्रोसेस जो है ना काफी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा वीडियो खींच जाता है।